हेलो एवरीवन, अभी तक हम चैप्टर 1 पूरा कर चुके हैं। नई स्कीम में सिलेबस में फिजिक्स में ट्यूटोरियल भी शामिल किया हुआ है, इसलिए जो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल आप लोग अपने हिसाब से करके देखिए। ट्यूटोरियल के क्वेश्चंस मैं इस लेक्चर में आपको दे रही हूँ। इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स पीछे सारे टॉपिक्स जो हैं वो पीछे के लेक्चर्स में कवर कर दिए गए हैं, तो जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए तो लेक्चर्स आपको हेल्पफुल होंगे। वहाँ से लेक्चर से स्टडी कीजिए चैप्टर की और इस ट्यूटोरियल को सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि मूल और व्युत्पन्न भौतिक राशियों में अंतर बताइए, यानी फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आता है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या SI यूनिट्स जो है, यानी अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इस पर आपको शॉर्ट नोट या संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है कि आपको कुछ राशियां दी हुई हैं, उनके मात्रक लिखने हैं आपको। शक्ति, त्वरण, प्रत्यास्थ गुणांक, ऊर्जा और ताप, ये 5 भौतिक राशियां हैं, इनके मात्रक बताने हैं। क्वेश्चन 4 आपको मिलता है कि भौतिक राशि की विमा से आप क्या समझते हैं, बताना है कि भौतिक राशि की विमा क्या होती है। और तीन भौतिक राशियां दी हुई हैं, बल, जड़त्व, घूर्ण और दाब, इन तीनों की विमा निकाल के बतानी है। क्वेश्चन 5 जो है वो विमीय समानता के सिद्धांत वाले लेक्चर से लिया हुआ है। आपको दिया गया है कि स्टील का यंग प्रत्यास्थ गुणांक है वो 1.9 × 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसे CGS मात्रक डाइन पर सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाए तो इसका मान कितना होगा। ऐसा ही एक एग्जांपल मैंने उस लेक्चर में लिया है, उसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन 6 आपको करना है कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में अंतर बताना है और अंतर बताते हुए इन दोनों के यूज लिखने हैं आपको कि वर्नियर कैलिपर कहाँ यूज होता है और स्क्रू गेज कहाँ यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है कि मापन में त्रुटियों को समझाइए, यानी कि एरर्स इन मेजरमेंट क्या होती हैं, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। लास्ट क्वेश्चन है कि आपको कुछ संख्याएं दे रखी हैं और इसके अंदर आपको सार्थक अंकों की गणना करनी है कि इन इन संख्याओं में सब में कितने कितने सार्थक अंक हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं।